दोस्तों सभी को नमस्कार। आज हम टाटा के सर्विस सेंटर पर टाटा एल्ट्रोज को सर्विस करा के लाए हैं, जो कि थर्ड सर्विस थी टाटा की तरफ से। आज का मेरा अनुभव जो रहा वो बहुत ही अच्छा रहा, जबकि मैंने कई बार कई जगह यूट्यूबों पर देखा था कि टाटा का सर्विस सेंटर का बिहेवियर अच्छा नहीं है। ये टाटा का सर्विस सेंटर चंडीगढ़ में स्थित था, जिसकी सर्विस मुझे बहुत ही अच्छी लगी। 12 बजे के करीब हमने गाड़ी उनके हैंडओवर की थी और 4 बजे उन्होंने गाड़ी की डिलीवरी देने का वादा किया था और करेक्ट 4 बजे हमारी गाड़ी बाहर रोड पर पार्क कर दी गई थी। और आज कैसा अनुभव रहा इसका मैंने जो वीडियो बनाया है, आइए देखते हैं उसी में कि कैसा क्या अनुभव रहा आज का। दोस्तों ये है टाटा सर्विस सेंटर, जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की गाड़ियाँ एल्ट्रोज, नेक्सोन और हैरियर, इवन ईवी भी है टिगोर में, और सभी अपनी गाड़ियाँ लेके आए हैं। आज हम आपको इधर का ही वो करवाएंगे दौरा। तो दोस्तों देखिए, ये सर्विस होकर आती हुई टाटा टियागो, और इस प्रकार से गाड़ी को ट्रीट करते हैं टाटा के सर्विस सेंटर पर। हालांकि ये अनऑथराइज है, यहाँ पे वीडियो वगैरह नहीं बनानी दी जाती, लेकिन मैं फिर भी अपने रिस्क पर ये हल्का फुल्का वीडियो बना ले रहा हूँ। ऐसे सर्विस करती है, अपने सामने टाटा हैरियर ये सर्विस होकर जाती हुई, ये आ गए हमारे पास भाई साहब जॉब कार्ड लेके, और मिस्टर शैलेंद्र से पूछते हुए कि इनकी गाड़ी में इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और क्या क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जॉब कार्ड पे समस्याएं लिख दी जाएंगी और उसके अंदर उसका सोल्यूशन होगा। ये गाड़ी का मुआयना करते हुए और इशू पूछते हुए मिस्टर शैलेंद्र से कि क्या क्या इशू हैं इसमें, और लगभग आधे घंटे में सर्विस सेंटर पर आने के बाद आधे घंटे के अंदर ही रिस्पॉन्स मिला, और जॉब कार्ड बनने के बाद अभी ये भाई रिलेटेड इशू पूछते हुए। दोस्तों ये देखिए, ये टोटल टाटा की सर्विसेज जो टाटा है, एल्ट्रोज ही एल्ट्रोज लगी हुई हैं, सभी अपनी आज संडे के दिन सर्विसेज करवा के जा रहे हैं, और ये लाइन अप कर दी गई हैं पूरी गाड़ियाँ सर्विस होने के बाद। और हमें 12 बजे का टाइम दिया गया, पहुँचे थे हम, और फिर हमें एक्सपेक्टेड डिलीवरी 4 बजे देने का प्रोमिस किया था, और हम 4 बजे जैसे ही पहुँचे तो हमारी गाड़ी रेडी थी। तो आगे की इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, और हमने 12 बजे इसमें गाड़ी दी थी और इन्होंने 4 बजे का टाइम दिया था, और करेक्ट 4 बजे हमें इन्होंने डिलीवरी दी है। जबकि टाटा के बारे में बताते रहते हैं कि इनकी सर्विस ठीक नहीं है, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। ये मिस्टर शैलेंद्र सिंह है, इनकी तीसरी सर्विस थी ये यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी तीसरी सर्विस हमने चंडीगढ़ से कराई है। अब मिस्टर शैलेंद्र ही बताएंगे कि इनका कैसा अनुभव रहा। रविंदर जी, अनुभव तो मेरा ठीक रहा, मैं लगातार तीसरी बार जुड़ा हूँ टाटा सर्विस सेंटर से, और इनकी जो सर्विस है मेरे ख्याल से जितना मैंने यूट्यूब पे लोगों से सुन रखा था सर्विस अच्छी नहीं है या ये लोग सर्विस क्वालिटी इनकी ठीक नहीं है, इनका बिहेवियर ठीक नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगा। बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ तो इनके सर्विस सेंटर वाले, और तकरीबन गाड़ी भी बहुत अच्छी, अभी तक ठीक ही है हमारी गाड़ी जब से मैंने ली है, बहुत ही अच्छी सर्विस भी इनकी है, गाड़ी की भी सर्विस बढ़िया है। चलो तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि शैलेंद्र जी की गाड़ी को इन्होंने कैसे अच्छे से धुलाई किया है, अंदर से कैसे साफ किया है। ये है शैलेंद्र जी की टाटा एल्ट्रोज एक्सी, जिनको इन्होंने कानपुर से मॉडिफाई करवाया था। इनका पूरा व्यू दिखा देता हूँ आपको गाड़ी का जो बन रहा है, ये इनका पूरा व्यू बन रहा है, और ये इन्होंने अच्छे से इसको साफ किया है। अब गाड़ी के अंदर चल के हम आपको दिखा देते हैं कि अंदर से भी इन्होंने अच्छी सर्विस देने की कोशिश की है।
तो इनको सर्विस के इस सर्विस सेंटर को चंडीगढ़ के में स्थित है, जो 10 of 10 मार्क्स में देता हूँ, क्योंकि हमें कोई भी परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए मेरा चैनल मैग्नाइट लवर।